नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चंस ऑन रिलेटेड लिटरेचर। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो इसमें भी शामिल नहीं है, यही पूछा जा सकता है रिलेटेड लिटरेचर क्या होता है। रिलेटेड लिटरेचर का मतलब है, लिटरेचर तो हो गई जो प्रीवियस रिसर्च है, ठीक है, रिसर्च है, एब्स्ट्रैक्ट है, थीसिस है, डिसर्टेशन है, जो भी लिटरेचर रिलेटेड है आपके टॉपिक से। अच्छा, ये बात याद रखना कि लिटरेचर सिर्फ रिसर्च नहीं होता, ये सिर्फ एक पार्ट है, एक पार्ट सिर्फ। दूसरा पार्ट इसका है कि कंसेप्चुअल, जो आपका मेन टॉपिक है, प्रॉब्लम है, रिसर्च क्वेश्चन है, जहां ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन आपने उठाने हैं रिसर्च क्वेश्चंस जहां ऑब्जेक्टिव्स, उससे रिलेटेड। रिलेटेड का मतलब क्या हो गया, जो आपके रिसर्च क्वेश्चन से रिलेटेड है, जहां आपके ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। जे अगर 10 ऑब्जेक्टिव्स हैं तो 10 डिफरेंट लिटरेचर की आप मैचिंग करोगे लिटरेचर को। फॉर एग्जांपल, ये मैंने अलग अलग व्यू दिए हैं। फॉर एग्जांपल, वर्क वैल्यू है, लाइफ स्किल है, ये एक टॉपिक था, या एक आपका रिसर्च क्वेश्चन था कि इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है, तो वो सारी स्टडीज रिलेटेड टू रिलेशनशिप बिटवीन वर्क वैल्यू एंड लाइफ स्किल्स, तो वो सारी स्टडीज, रिसर्च स्टडीज आपका लिटरेचर हो गया। हाँ, जब आप ये देखते हो कि लाइफ स्किल्स की डेफिनेशंस क्या हैं, तो वो कंसेप्चुअल हो गया। आप देखते हो वर्क वैल्यू की डेफिनेशन क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, मॉडल क्या है, इसकी थ्योरीज क्या है, WHO ने क्या कहा है इसके बारे में, तो वो कंसेप्चुअल लिटरेचर हो गया। ये कंसेप्चुअल लिटरेचर इंट्रोडक्शन में आता है, और रिसर्च जो लिटरेचर है वो सेकेंड चैप्टर में है आपके, बेशक वो PhD का हो और या मास्टर लेवल का हो। हम जनरली ये समझते हैं कि रिसर्च पार्ट ही लिटरेचर होता है, कंसेप्चुअल भी साथ में शामिल है। और आपका हो सकता है टीचर इफेक्टिवनेस और जेंडर, इनका रिलेशन जाने डिफरेंस देखना जेंडर के बेस पर, तो आप नेचुरली उन स्टडीज को देखोगे, आप उनके वेरिएबल को डिफाइन करोगे। स्पिरिचुअल और इमोशनल इंटेलिजेंस के रिलेशनशिप पर हो सकता है आपका रिसर्च क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव, उस पर रिलेटेड लिटरेचर हो सकता है। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, मेन वेरिएबल हैं, और उनके रिलेशन या डिफरेंस आप देखना चाहते हो, उनके जितने जोड़े बनते हैं, उन जोड़ों के अंडर आपने प्रीवियस कंसेप्चुअल एंड रिसर्च फाइंडिंग्स, इवन रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, नॉट ओनली फाइंडिंग्स। रिसर्च वाले लिटरेचर में क्या शामिल होगा, ऑथर का नाम है, ईयर है, उसका पर्पस क्या था, इवेल्युएट उसने क्या किया है, सैंपल उसका क्या था, सैंपल साइज क्या है, सैंपलिंग टेक्निक उसने क्या यूज की हुई है, उसने स्केल कौन सा, टूल कौन से यूज किए हैं, उसने स्टैटिस्टिकल टेक्निक को एनालाइज किस से किया है, जैसे सेंट्रल स्टैटिस्टिकल टेक्निक, पियर्सन कोरिलेशन, टी सिंगल वेरिएबल, टी टेस्ट बताया हुआ है ना, अनोवा बताया हुआ है, ये लिटरेचर में सब कुछ शामिल होगा। लास्ट में रिजल्ट या फाइंडिंग्स होगी, ये वाले पार्ट आपके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लिटरेचर के एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या शामिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। दो अलग अलग क्वेश्चन है कि आपसे सोर्सेज पूछे जाते हैं, जब सोर्सेज पूछे जाते हैं आपने सभी बताने हैं। फॉर एग्जांपल, आप बुक्स कह सकते हो, बुक्स है, वेब सोर्सेज हैं, जर्नल्स हैं, थीसिस हैं, डिसर्टेशंस हैं, पीयर रिव्यू आर्टिकल्स हैं, कॉन्फ्रेंसेज हैं, सेमिनार्स हैं, न्यूज़पेपर, एनसाइक्लोपीडिया, टेक्स्ट बुक्स, वेबसाइट एंड रिपोर्ट रिटन बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब वेब सोर्सेज आप, क्योंकि मेन हम स्टडी वही करते हैं, दैट इज वाई उसके नाम बताए जा सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आपने ये लिटरेचर जो रिसर्च स्टडीज हैं, जहां कंसेप्चुअल लिटरेचर है, कहां से स्टडी किया, रिसर्च लिटरेचर के मेन सोर्स बताने लगा हूं आपको, वो डॉज कह सकते हो, डायरेक्टरी ऑफ ओपन असेस जर्नल, एरिक, हाँ, DAI, डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, शोध गंगा, गूगल स्कॉलर्स, ऐसे मोस्ट कॉमन ये जो सोर्स हैं, ये आप जब आप अपने रेफरेंस देखोगे तो पीछे इनके आपको रेफरेंस में लास्ट में दिखाई देंगे कि डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल लिखा हुआ है, एरिक का कुछ लिखा हुआ है, डॉज का, है ना, रेफरेंस में ये आएंगे। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि आप मुझे 5 नाम बताएं, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 5 नाम बताएं जो जर्नल्स आपने स्टडी किए, आपने कहां जाना है, आपने अपने डिसर्टेशन के लास्ट में रेफरेंस को थोड़ा सा स्टडी करना है। ये रहा देखिए, डिसर्टेशन एब्स्ट्रैक्ट इंटरनेशनल, ये है वॉल्यूम। वॉल्यूम मीन कि एक जर्नल जो स्टार्ट हुआ था, मान लीजिए
1970 में ये स्टार्ट हुआ था, तो कितने साल अब हो गए हैं उसको स्टार्ट हुए हुए, उसका मतलब है वॉल्यूम। नेक्स्ट है ये वॉल्यूम वी हो गया, ये इशू हो गया, उस साल में कितना कितना इशू है, कौन सा आठवां इशू है, और आगे हो गया पेज कि आपने इतने साल वॉल्यूम के इतने इशू में से ये पेज रीड किए हैं, उसमें से आपने एब्स्ट्रैक्ट आपके जो डिसर्टेशन है उसमें कोट किया है, उसकी टेक्स्ट दी हुई है एग्जैक्ट। तो ये जो इटैलिक है ये हो गया आपका जर्नल का नाम, यहाँ पर वेब सोर्स का नाम है लिखा हुआ। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि जर्नल्स के नाम, आप अपने ही रेफरेंस को एक बार देख लीजिए वाइवे से पहले और उनमें से अंडरलाइन कर लीजिए, जैसे ये लिखा, जैसे ये लिखा है जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये लिखा है एशियन पैसिफिक एजुकेशन रिव्यू, तो ऐसे नाम आपने बताने हैं अपने रेफरेंस से देख के। ये रेफरेंस को एग्जैक्ट आप परफेक्ट मत मानिए, इनमें गलतियां दिखाई दे रही हैं, उसके लिए अलग वीडियो है कि एपीएस टाइप का रेफरेंसेस कैसे होने हैं, जहां मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन के कैसे होने हैं, तीन चार जो स्टाइल हैं वो डिफरेंट वीडियो होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखना है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, संबंधित साहित्य के पूर्णावलोकन का क्या महत्व है, पूर्णावलोकन बहुत ज्यादा महत्व है, रिव्यू करना है। रिलेटेड लिटरेचर का महत्व क्या है, इसका मोस्ट कॉमन और सिंगल आंसर ये है कि क्या क्या स्टडी किया जा चुका है रिलेटेड टू माई प्रॉब्लम, क्या क्या स्टडी किया जा चुका है, क्या क्या स्टडी किया जा चुका है, क्या क्या स्टडी नहीं किया जा चुका, जो नहीं किया जा चुका वो गैप्स हैं, इसके अलावा वो गैप्स आपने आइडेंटिफाई करने हैं, जो स्टडी किया जा चुका है दूसरा आंसर, पहला आइडेंटिफाई रिसर्च का इंपॉर्टेंस की फर्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट इंपॉर्टेंस कि आपने यही आंसर देना है, क्या स्टडी हो चुका है क्या नहीं हो चुका है, जो नहीं हो चुका वो रिसर्च गैप्स है, इट मींस फर्स्ट काम हो गया कि आइडेंटिफाई करने रिसर्च गैप, दूसरा कि जो स्टडी हो गया है उनमें से इनकॉन्सिस्टेंसीज जो पीछे बात करके आए इनकॉन्सिस्टेंसीज को आइडेंटिफाई करना, तीसरा कि आपने ये देखना है कि मेरे जैसी जो प्रॉब्लम ली है उनके सेम क्या ऑब्जेक्टिव्स या रिसर्च क्वेश्चंस सेम रहे हैं, या ऑब्जेक्टिव्स सेम रहे हैं, कितने मैच कर रहे हैं, जितने मैच कर रहे हैं वो इधर आ जाएंगे, जो नहीं मैच कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव आपके गैप्स बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मान लीजिए कि वर्क वैल्यू को लाइफ स्किल के साथ स्टडी नहीं किया, प्रोफेशनल कमिटमेंट और वेरिएबल के साथ किया है, तो नेचुरली है कि वो वाला ऑब्जेक्टिव अगर पहली रिसर्च किसी ने नहीं बनाया तो आपके लिए वो रिसर्च गैप बन गया। अगला, तो ये ऐसी जो स्टडीज होती रही हैं उनमें सैंपल साइज कितना रहा है, आप सभी का सैंपल साइज नोट करते हो सकता है किसी ने 300 तक लिया हो, मैक्सिमम किसी ने 6000 भी लिया हो, तो आप वो रेंज भी दोगे, आपको अंदाजा लगेगा कि आपको कितना सैंपल साइज लेना चाहिए। चौथा, आपने जो क्वेश्चनर है, टूल्स हैं, स्केल्स हैं, इन्वेंटरीज हैं, टेस्ट हैं, है ना, वो उसने कौन से यूज किए, वर्क वैल्यू को उसने किससे मैयर किया, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस ने पिछली स्टडीज में कौन कौन सा टूल जो है मैक्सिमम यूज हुआ है, स्टूडेंट एंगेजमेंट के लिए कौन सा यूज हुआ है, वोटिंग बिहेवियर के लिए कौन सा यूज हुआ है ना, तो वो आप लिस्ट बनाते हो और वो क्वेश्चनर जो आपको मिलते हैं वो आप नेट से निकाल के जहां जहां सोर्स से वो टूल मिलते हैं वो मंगवा के एनालाइज करते हो, ये आपको लिटरेचर बताता है। नेक्स्ट, कौन कौन सी स्टेटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई की गई है ये पता चलता है, ये भी देखना है आपने। और लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट के रिजल्ट्स फाइंडिंग्स उसकी क्या है, क्या वो रिजल्ट्स जो फाइंडिंग है वो हार्मनी में है, कंसिस्टेंसी है, जहां इनकंसिस्टेंसी है, ये फाइंड आउट करना है। तो यही जो रिजल्ट्स है बाद में डिस्कशन में एक चैप्टर होता है पीएचडी में उसमें यूज किए जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच रिसर्च गैप्स यू फाइंड व्हाइल स्टडी द रिलेटेड लिटरेचर, अब आपने वो आइडेंटिफाई किए हैं नहीं किए हैं, पीएचडी में हर हालत में करने पड़ते हैं, अगर किए हैं तो नेचुरली मास्टर लेवल पर भी आपके मार्क्स अच्छे लग जाते हैं। स्पेसिफिकली मैं ये बता दूं कि रिसर्च गैप कैसे फाइंड आउट करने हैं, मान लीजिए आपका रिलेटेड लिटरेचर है उनके आपके वेरिएबल हैं, ऑलरेडी एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, जैसे वर्क वैल्यू है ना, और उसका था साथ में लाइफ स्किल्स, ऐसे ही एसक्यू है,
जेंडर, बाकी भी ऐसे है वेरिएबल। तो जो वेरिएबल आपसे रिलेटेड है, वर्क वैल्यू है यहाँ पर, लाइफ स्किल्स है, इससे रिलेटेड है, क्या इससे रिलेटेड आपको ज्यादा स्टडी मिली या बहुत ज्यादा कम मिली? अगर बहुत ज्यादा कम स्टडी मिली तो वो हो गया गैप। ये आपने देखना है कि वर्क वैल्यू और लाइफ स्किल्स के रिलेशन या डिफरेंस पर क्या है। दूसरा है रिसर्च क्वेश्चन जो उसमें किए गए थे ना, नेचुरली मास्टर लेवल पर ये नहीं किया जाता, ऑब्जेक्टिव जो आपके थे क्या पिछली रिसर्चेस के थे, बहुत इनडेप्थ एनालिसिस होता है। मान लीजिए किसी रिसर्च ने वर्क वैल्यू और लाइफ स्किल है, उसने ये नहीं देखा कि लाइफ स्किल्स एंड जेंडर का इंटरेक्शन इफेक्ट ऑन वर्क वैल्यू, मतलब के बहुत स्टडी 10-12 स्टडी मिली, किसी ने भी ये वाला इंटरेक्शन इफेक्ट नहीं देखा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं बनाया, ये रिसर्च क्वेश्चन नहीं बनाया। तो नेचुरली है कि इस ये अगर आप बना लेते हो तो आपने ये गैप फाइंड आउट किया कि ये नहीं किया गया और आप ये कर रहे हो। दूसरा पॉपुलेशन, फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने ली है सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, मान लीजिए पिछली रिसर्च में ज्यादा एलिमेंट्री स्कूल्स लिए गए हैं या कॉलेज स्टूडेंट लिए गए हैं और सेकेंडरी स्टूडेंट्स पर आपको एक या दो स्टडीज ही मिली हैं, है ना, बहुत कम मिली है, तो ये भी आपका क्या हो गया, रिसर्च गैप पॉपुलेशन के बेस पर, ये पॉपुलेशन के बेस पर कि पॉपुलेशन आप जो स्टडी कर रहे हो वो पीछे स्टडी बहुत कम हुई है या नहीं हुई। टूल जो जिस टूल से आप अब मैयर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के स्केल से आप डॉक्टर तीरथ सिंह का जो है उसमें 16 डायमेंशन है, तो बाकी किसी स्केल में इतनी डायमेंशन नहीं है, आप जस्टिफाई कर सकते हो कि इसमें ज्यादा डायमेंशन है जो पहले कभी किसी रिसर्च में नहीं की गई, दैट इज वाई टूल के बेस पर आप रिसर्च गैप आपने फाइंड किया तो आप ये रिसर्च स्टडी ले रहे हो। मेथड अप्रोच कि आप डिस्क्रिप्टिव है, कोरिलेशनल है अप्रोच, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, मिक्स मेथड अप्रोच कौन सी ली गई है। ज्योग्राफिकल एरिया, हो सकता है कि आप जहां रहते हो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है जहां स्टेट है उसमें ये रिसर्चेज नहीं हुई, बाकी एरिया में हुई हुई है। मान लीजिए आप इंडिया में हो, पंजाब में वो स्टडी नहीं हुई, तमिलनाडु में हुई है, असम में हुई हुई है, मध्य प्रदेश में हुई है, तो ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी वो आपने गैप फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे आप गैप फाइंड आउट कर सकते हो। एमएड लेवल पर आप सिर्फ इतना ही देखिए कि वेरिएबल के हिसाब से गैप कितना है। अपन एक बार अपने सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी को पढ़ोगे तो उसमें रिसर्च गैप्स अगर अच्छी तरह से लिखे गए आपको समझ आ जाएंगे। चलिए शोध प्रश्न क्या होते हैं। पीएचडी लेवल पर शोध प्रश्न आप निश्चित करना हर हालत में जरूरी है, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो वो क्वेश्चंस आंसर इसका पहले क्या होगा, एक तो ये कि आपके आंसर इसका क्या होगा कि वो क्वेश्चंस जहां वो प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिसर्च प्रॉब्लम भी आपको पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चंस जिसका आंसर आप साइंटिफिक मेथड अप्लाई करके प्राप्त करना चाहते हो, रिसर्च क्वेश्चन कहलाता है। तो वो प्रॉब्लम जिसका सोल्यूशन, यहां सोल्यूशन कर लो, सोल्यूशन आप साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके प्राप्त करना चाहते हो, रिसर्च क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर योर रिसर्च क्वेश्चंस, आपके क्या हैं। तो आपके क्वेश्चंस जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स को आप थोड़ा क्लब कर दो तो आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने लिया है वर्क वैल्यूज हैं, दूसरा है लाइफ स्किल्स हैं, ठीक है, तीसरा उसमें था जेंडर, मान लीजिए और भी एक दो तीन चार वेरिएबल है, तो आप इनके रिसर्च क्वेश्चन आपके होंगे। अगर आप पहले रिसर्च क्वेश्चन वैसे बनते हैं, ये एक विवाद है, कोई कहता है पहले रिसर्च क्वेश्चन है फिर ऑब्जेक्टिव्स है, दूसरे कहते हैं कि पहले ऑब्जेक्टिव्स है फिर रिसर्च क्वेश्चन है, लेकिन ये एक दूसरे से मैच करते हैं। ऐसे हम बना सकते हैं हाउ लाइफ स्किल्स या हाउ 10 लाइफ स्किल्स इन्फ्लुएंस वर्क वैल्यू ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, तो ये रिसर्च क्वेश्चन एक बन गया। दूसरा बन सकता है डज जेंडर इन्फ्लुएंस द वर्क वैल्यू ऑफ सेकेंडरी स्कूल टीचर्स, ऐसे है ना, डज जेंडर इन्फ्लुएंस द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इज देयर एनी रिलेशनशिप वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव बिटवीन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन
वोटिंग बिहेवियर एंड जेंडर। तो ये रिसर्च क्वेश्चन आपके जो भी हैं वो थीसिस में होंगे, आपके गाइड आपको बताएंगे व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस स्टडी। एक बात याद रखिए, ये मैं बता दूं, आप जब वाइवा देते हो तो आपका जो डिसर्टेशन है आपके पास होगा, ठीक है। तो डिसर्टेशन पास है तो ये नहीं आप उसको खोल नहीं सकते, नेचुरली वाइवा देना है तो आपको खोलने के लिए कहा भी जा सकता है और आप खोल भी सकते हो। आप पहले से इसमें मेन पॉइंट्स, मेन पेज जो है उनकी स्लिप्स भी लगा सकते हो कि वहां थोड़े, क्योंकि आप टेंशन में होते हो, आप इजीली उस पेज को असेस कर सको, पहुंच तो आप नेचुरली ये शुरू करने पड़ते हैं। अगर आपको प्रेजेंटेशन देने के लिए कहा जाता है पीएचडी में, जरूरी है, जैसे यूजीसी की गाइडलाइन है, अगर एमएड या एमएस साइकोलॉजी या मास्टर लेवल के किसी थीसिस में होता है, डिसर्टेशन में होता है, तो भी आपने शुरू कहां से करना है, स्टेटमेंट बोलनी है उससे पहले, रिसर्च क्वेश्चन उसके बाद, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स हाइपोथेसिस, जो साइंटिफिक मेथड के 5 स्टेप्स थे वैसे आपने चलना है। तो आप यहां से इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली दे सकते हो कि मेरे ऑब्जेक्टिव्स क्या। हाइपोथेसिस बताने की जरूरत नहीं होती, अगर हाइपोथेसिस बताने हो, यही कहा जाता है कि इन ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर मैंने नल हाइपोथेसिस बनाए हैं या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाए हैं, या नल और अल्टरनेटिव जिसे डायरेक्शनल यहां बोल सकते हैं वो हाइपोथेसिस बनाए हैं, जो भी आपने फ्रेम किए हैं, आपके गाइड ने आपको बताया होगा। तो हाइपोथेसिस हमें रीड करने की जरूरत नहीं होती, हाँ ऑब्जेक्टिव आप रीड करके बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय परिकल्पना, हाइपोथेसिस से आप क्या समझते हो। बहुत डेफिनेशन है, लेकिन आपने 2-3 डेफिनेशन जो वेरी इजी हैं उन पर ही फोकस करना है। फर्स्ट डेफिनेशन है, क्योंकि हाइपोथेसिस रिगार्डिंग प्रॉब्लम ही होगा, है ना। तो अगर बहुत आसान परिभाषा मास्टर लेवल पर याद रखना चाहते हो तो टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, ये हो गई। अगर ये इसके अतिरिक्त याद करनी है, ऐड करना है आपने इंटेलेक्चुअल गेस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम। इंटेलेक्चुअल गेस कैसे, कि जो रिलेटेड लिटरेचर था हमने उसको स्टडी करके नॉलेज निकाली है, डायरेक्शन निकाली है कि इन दोनों का वेरिएबल का रिलेशनशिप या डिफरेंस होता है, उसके मुताबिक ही हमने नल या डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बनाए हैं। तो इंटेलेक्चुअल गेस है कि लिटरेचर बताता है कि यार इसकी प्रोबेबिलिटी रिलेशनशिप की है या नहीं है, वो ज्ञान प्राप्त हुआ, वो ज्ञान इंटेलेक्चुअल इसे है, इसलिए वर्ड यूज किया जाता है, उसके बेस पर आप टेंटेटिव सॉल्यूशन बनाते हो। दूसरा टेक्निकल डेफिनेशन जो है, एक स्टेटमेंट है अबाउट द रिलेशनशिप और डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, वेरिएबल्स 2 भी हो सकते हैं, मोर भी हो सकते हैं। तो एक स्टेटमेंट है अबाउट द रिलेशनशिप जहां डिफरेंसेस अबाउट टू और मोर वेरिएबल्स, उसकी एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये तीनों जो डेफिनेशंस हैं इनको आप ये देखिए, टू स्टडी द नेचर ऑफ, है ना, ये गलत पेस्ट हुआ हुआ है, ये एक्चुअली ऑब्जेक्टिव है, ये कांटा करेंगे, ये ऑब्जेक्टिव है। ये भी याद रखना है कि पहला जो इन्फ्रेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होगा उसके साथ उसका हाइपोथेसिस मैच करेगा, दूसरा जो वहां पर ऑब्जेक्टिव है ये वाला जो हाइपोथेसिस है एग्जैक्ट उसके साथ मैच करेगा, ये आगे चल के भी बताता हूं। 3 चीजें मैच लगातार करनी चाहिए, 3 नहीं 5। सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चंस, जो रिसर्च क्वेश्चन है वही ऑब्जेक्टिव्स बनेंगे, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही हाइपोथेसिस बनेंगे, जो हाइपोथेसिस हैं उसी के अनुसार एनालिसिस होगा, जो एनालिसिस है हुआ है उसी की फाइंडिंग बनेगी, इनकी मैचिंग एग्जैक्ट होती है, लीनियर अप्रोच। ना क्या है कि हमने क्या किया था, टेंटेटिव गैस जो है इंटेलेक्चुअल गैस, जहां हमने कहा था कि थर्ड वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पक्का है कि स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है जो एक्सप्लेन करती है, क्या करती है, 2 या 2 से अधिक वेरिएबल का रिलेशनशिप या डिफरेंस, इसमें क्या है 2 वेरिएबल का, ये वेरिएबल नंबर 1 वेरिएबल नंबर 2 इनका डिफरेंस को एक्सप्लेन कर रही है, तो ये हाइपोथेसिस हो गया। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना के विभिन्न प्रकार क्या हैं। अब ये प्रॉब्लम है, बहुत टेक्निकल है, ये यूजीसी लेवल से भी शायद परे की बात है, क्योंकि वहां भी इसको पता नहीं, टाइप्स कुछ और होती हैं, फॉर्म्स कुछ और होती हैं,
ये डिफरेंस है, हम फॉर्म्स को ही टाइप कर रहे हैं। अगर आपको पूछा जाए नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस फॉर्म है, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस फॉर्म है। इसको एक डायग्राम के देख के हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स हाइपोथेसिस कौन सी हैं, आपने यहां से उत्तर देना है, और फॉर्म्स कौन सी हैं, हाइपोथेसिस टाइप्स। ये क्या है कि वर्डिंग इज इनमें डिफरेंट होती है। तो फर्स्ट है रिसर्च हाइपोथेसिस, एक ये है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, ऑपरेशनल हाइपोथेसिस। ये तीन टाइप्स हैं। रिसर्च हाइपोथेसिस को करलिंगर ने थ्योरेटिकल हाइपोथेसिस, साइंटिफिक हाइपोथेसिस, इंपीरिकल हाइपोथेसिस भी कहा है। ये अभी क्लियर नहीं है। अकॉर्डिंग टू डीएन संसनवाल इसमें वर्ड रिलेशनशिप आता है, इतनी बात अभी बताऊंगा। और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस में स्टैटिस्टिकल वर्ड जरूर होगा, फॉर एग्जांपल मीन, कोरिलेशन एटसेट्रा, कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो लगनी है वो उस हाइपोथेसिस में होगी। ऑपरेशनल की बात हम पीछे भी करके आए हैं, ऑपरेशनल हाइपोथेसिस में नेम ऑफ द टूल जरूर मेंशन किया होगा, ये फर्क है। और फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस जो आपके मोस्ट ऑफ दी डिसर्टेशन या थीसिस में बने होते हैं, नल हाइपोथेसिस, इसमें कंफ्यूजन को दूर कर लो। इट मींस के दो जो वेरिएबल हैं, जो दो ग्रुप हैं, यहां फीमेल और मेल का मान लीजिए ग्रुप है, आप देखना चाहते हो कि स्पिरिचुअल क्वोशेंट या स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मेल और फीमेल की में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करना चाहते हो, कंपैरिजन लिया जाता है, डिफरेंस भी बताया जाता है। तो आप ये जब मान के चलते हो, परिकल्पना ये बनाई है कि दोनों बराबर हैं, इसी का मतलब, इक्वल का मतलब, ये देखिए इक्वल का मतलब, बराबर का मतलब बन गया। दूसरा मतलब क्या बना, नो डिफरेंस। अच्छा, हम ज्यादातर क्या करते हैं, नो डिफरेंस या नो रिलेशनशिप, दूसरा रिलेशनशिप आ जाएगा, यहां पर डिफरेंस वाला है इसलिए डिफरेंस लिखा है, रिलेशनशिप भी हो सकता है। तो नो शब्द से हम आइडेंटिफाई करते हैं। ये याद रखिए कि जरूरी नहीं है कि हर बार नो शब्द हो आपके नल हाइपोथेसिस में, मीनिंग उसका ये होना चाहिए कि दो या दो से अधिक जो भी ग्रुप बनते हैं उनको इक्वल मान के चल रहे हैं। जब आप कह रहे हो इक्वल, तो इट मींस देयर इज नो डिफरेंस, है ना, बात सही वही हो गई। तो जो मान के चल रहा है इक्वल, तो दूसरा जो है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। मान लीजिए पिछले लिटरेचर में आपने 50 स्टडीज पढ़ी, तो ये कहा गया कि फीमेल जो है ना, 50 स्टडीज में थे 40 स्टडीज ने ये कहा कि जो फीमेल का स्पिरिचुअल क्वोशेंट है वो मेल के स्पिरिचुअल क्वोशेंट से ज्यादा है। इग्नेस लिटरेचर ने डायरेक्शन दी, आपने डायरेक्शनल हाइपोथेसिस बना लिया कि फीमेल्स आर बेटर और हायर देन मेल ऑन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो ये वाला बेटर और हायर, एक को ऊपर एक को नीचे ये कहेगा, और नल हाइपोथेसिस एक को ऊपर नीचे नहीं कहेगा, ना इसको ऊपर नीचे कहेगा, वो बराबर कहेगा दोनों को, इतना फर्क है। अब ये देखिए, ऐसे भी हो सकता है कि रिसर्च हाइपोथेसिस टाइप हो और फॉर्म आपकी नल हो, पॉसिबल है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और फॉर्म आपकी नल हो, ये भी हो सकता है। स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस और फॉर्म आप डायरेक्शनल हो के मीन स्कोर ऑफ फीमेल इज हायर देन मीन स्कोर ऑफ मेल ऑन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, ऐसे भी हो सकता है। तो ऑपरेशनल के सिर्फ यही दिया होगा, ऑपरेशनल के साथ भी नल हाइपोथेसिस बन सकता है, मतलब ऑपरेशनल टाइप और फॉर्म जो है वो नल, ऑपरेशनल टाइप एंड फॉर्म जो है डायरेक्शनल। तो ऐसे एक्चुअल में ये है, पता नहीं इतनी इन डेप्थ आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एक्सपर्ट अपने को नॉलेज है कि नहीं है, लेकिन आप इससे वो जो है एक्सप्लेन अपने फिनोमिना को, जो भी है आपका क्वेश्चन है उसको कर सकते हो। क्लियर हो गया, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस, जो हमने बात की है रिसर्च, ऑपरेशनल एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। व्हाट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस, जो नल एंड डायरेक्शनल है। जो डायरेक्शनल है उसी को फिर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बोल देते हैं, जो नल के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। डिफरेंस बिटवीन नल एंड डायरेक्शनल हाइपोथेसिस अभी जो डायग्राम से किया है। व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। एक्सेप्टेड वर्ड वैसे गलत होता है जब सैंपल स्टडी हो, आप ये कह सकते हो, ये भी हो सकता है आपके क्वेश्चन के आंसर के रूप में, नॉट रिजेक्ट। तो यूजीसी कई इस तरह से भी पूछती है, इस तरह से पूछती है। व्हेन द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, इसके ओपोजिट आएगा
नॉट रिजेक्टेड जो है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चनिंग हो सकती है सैंपल पर, नमूने पर प्रश्न, डिफरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिफरेंस बिटवीन सैंपल एंड सैंपलिंग। तो सैंपलिंग क्या है? प्रोसेस। ये डिफरेंस अभी करते हैं, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। अच्छा, यूनिवर्स भी पीएचडी लेवल पर, यूनिवर्स पॉपुलेशन एंड सैंपल में डिफरेंस, प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी, हाउ डू यू सिलेक्ट यूर सैंपल, व्हाट आर सैंपलिंग टेक्निक यू फॉलोड, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है पूछे जाते। लेट अस डिस्कस द व्हाट इज सैंपल। फॉर एग्जांपल, ये पहले यूनिवर्स अगर समझना चाहते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑल पॉपुलेशंस जो हैं, देखिए ये जो अब एग्जांपल लेके चले हैं उसमें क्या है, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एक पॉपुलेशन होगी, एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स दूसरी पॉपुलेशन होगी, स्टूडेंट्स की तीसरी पॉपुलेशन होगी, स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के यूनिवर्सिटी के कॉलेज के प्राइमरी है ना, तो ये डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, पॉपुलेशन ऑफ मदर। फिर देखिए ज्योग्राफी में एग्रीकल्चर में पॉपुलेशन कौन सी होती है, पॉपुलेशन ऑफ स्टोन्स, पॉपुलेशन ऑफ सॉयल, पॉपुलेशन ऑफ वाटर, पॉपुलेशन ऑफ ट्रीज है ना, पॉपुलेशन ऑफ स्पेसिफिक प्लांट्स। तो जो टोटल नंबर है उसके एक स्पेसिफिक रीजन में जहां आप इंटरेस्टेड हो वो पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन सभी में आप तो इंटरेस्टेड नहीं हो, आप अपने जिस प्रॉब्लम के मुताबिक किसी एक या दो पॉपुलेशन में इंटरेस्टेड हो सकते हो एक रिसर्च। तो यूनिवर्स में इतनी पॉपुलेशंस हैं, जब आप यूनिवर्स के एक पार्ट को डिफाइन कर लेते हो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, अपनी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, अपने रिसर्च के रिगार्डिंग इंटरेस्टेड हो, रिसर्च क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इंटरेस्टेड हो, वो उसका नाम होता है पॉपुलेशन। इट इज वेल डिफाइंड स्मॉल पोर्शन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या था? ऑल पॉपुलेशन, उनमें से एक पार्ट ले लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्ट कौन सा ले लिया अपने? सेकेंडरी स्कूल टीचर्स ऑफ पंजाब, जैसे एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स ऑफ जलंधर डिस्ट्रिक्ट, टेंथ क्लास स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल्स एफिलेटेड टू सीबीएसई इन ऑफ पंजाब कर लीजिए, मतलब कोई रीजन आपको डिफाइन, तो वो आपकी पॉपुलेशन होगी। डिफाइन वर्ड को जरा ध्यान से देख लीजिए कि डिफाइन का क्या मतलब है। डिफाइन से मतलब है कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना है। यहां मैंने इजीएस्ट एग्जांपल ली है कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आ जाए इसलिए, अदरवाइज पॉपुलेशन में कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं जो आप स्टडी करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप डिसेबल्ड लर्नर को स्टडी करना चाहते हो, नेचुरली है कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स नॉर्मल से डेविएटेड होंगे, उनका आइडेंटिफाई करने होंगे है ना, तो वो जो पॉपुलेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सैंपल में आ जाए। ये देखिए, ये बोर्ड को समझ लीजिए, यूनिवर्स इसमें कितनी पॉपुलेशंस हैं, उसमें एक पार्ट हमने ले लिया, ये पॉपुलेशन होगी। पॉपुलेशन में हमने कैरेक्टर आइडेंटिफाई किए कि मेरी पॉपुलेशन में इतने परसेंट मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, मेरी पॉपुलेशन में के जो टीचर्स हैं वो रूरल एरिया के भी हैं, अर्बन के भी हैं, मेरी पॉपुलेशन में जो हाई आईक्यू वाले, एवरेज आईक्यू वाले, लो आईक्यू वाले सभी हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, डिफाइन कर लिए कि मेरी पॉपुलेशन के ये करेक्टर। दूसरा, अगर तो ये जो पॉपुलेशन है, ये डॉट्स में क्या शो कर रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स, एलिमेंट्स, इंडिविजुअल्स, यहां पर इंडिविजुअल कहेंगे ना, तो ये मान लीजिए ये है एक लाख, एक लाख है, एक लाख बन गया। तो दूसरी तरफ ये एग्जांपल ले सकते हैं कि ये इंडिविजुअल है सारे 200, तो इस केस में आप सिर्फ सारे जो यूनिट्स हैं, एलिमेंट्स हैं पॉपुलेशन के, उनको स्टडी कर सकते हो, वो सेंसिस हो जाती है। वैसे जब लार्ज नंबर है, टू लार्ज नंबर है, तो आप क्या करोगे, सिस्टमेटिकली केयरफुली कि आपके वही कैरेक्टरिस्टिक्स एक और पार्ट में आ जाए, मतलब कि आप 1000, एक लाख में से मान लीजिए 500 या 600 लेते हैं, 600 का पार्ट ले रहे हैं इनमें से, मान लीजिए 600 का पार्ट, यहीं से नहीं लेना, वो आप कई तरह से असेंबलिंग टेक्निक डिफरेंट वीडियो में समझनी पड़ेगी। यूनिवर्स में बहुत पॉपुलेशन थी, एक पॉपुलेशन को में हम इंटरेस्टेड थे, उसको डिफाइन कर लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई कर लिए, और उसका एक पार्ट हमने निकाल लिया जिस पर हम स्टडी करेंगे, वो पार्ट में ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो, मीन इसमें भी मेल हो फीमेल भी हो,
इसमें भी रूरल हो अर्बन भी टीचर हो, इसमें भी हाई एवरेज लो आईक्यू के ईक्यू के एसक्यू के वट एवर योर वेरिएबल वो हो वो इंडिविजुअल, इट मींस अगर ऐसे मैचिंग होती है पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स और सैंपल के कैरेक्टरिस्टिक्स में, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन। मतलब के सैंपल क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पार्ट या पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। रिप्रेजेंटेशन मीन के मैचिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन पॉपुलेशन एंड सैंपल। जब ये हो गया सैंपल के 600 का सैंपल है हमारा, है ना, तो जिस प्रक्रिया से हम इतनी पॉपुलेशन से में से इनको चूज करते हैं सेलेक्ट करते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं सैंपलिंग। तो सैंपलिंग आगे टेक्निक है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी। जब आपके पास इस पॉपुलेशन की रेड जो है ना, इन सभी की एक लंबी सारी हर पर्सन की एक लिस्ट है आपके पास, लिस्ट है कि वो उसका जेंडर बार क्या है, उसका एरिया ऑफ लोकेशन क्या है वगैरह क्या है, है ना, वो इंफॉर्मेशन है इतनी बड़ी। अगर आप सीबीएसई के टीचर में इंटरेस्टेड हो, सीबीएसई के स्टूडेंट 10th में इंटरेस्टेड हो, नेचुरली वो नेट से या सीबीएसई से लिस्ट आपको मिल सकती है। तो अगर आपको वो लिस्ट मिल गई है, इट मीन आपको फ्रेम मिल गया है, फ्रेम आपसे पूछा जा सकता है फ्रेम क्या होता है, इसको सैंपलिंग फ्रेम भी बोलते हैं। सैंपलिंग फ्रेम, सैंपलिंग फ्रेम इज लिस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स और एलिमेंट्स और इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन। सभी पॉपुलेशन में शामिल सभी पर्संस की एक लिस्ट है, सूची है, जिसको फ्रेम बोलते हैं। जब फ्रेम है आपके पास, इट मीन्स आपको पता है कि मेरे फ्रेम में 100,000 पर्सन है। अगर गिनती नंबर एन, एन बड़ा एन पॉपुलेशन का एन, वो आपको पता है, तो आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग ही अप्लाई करोगे। जब आपके पास फ्रेम नहीं है, आपको पता नहीं है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, एन आपके पास नहीं है, है ना, तो आप प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग अप्लाई ही नहीं कर सकते। बेसिक्स ये है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो एक थ्योरी है उसको एन चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, अगर एन ही नहीं है तो आप नहीं निकाल सकोगे। तो जब एन आपके पास, फ्रेम आपके पास, सैंपलिंग फ्रेम आपके पास नहीं है, तो आप नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक अपनाओगे। आगे चल के बताते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है। रैंडम, इसको रैंडम सैंपलिंग टेक्निक भी कह देते हैं, इसको नॉन रैंडम सैंपलिंग टेक्निक भी कह देते हैं। तो रैंडम सैंपलिंग टेक्निक क्या है, ये क्वेश्चन आंसर ही चल रहे हैं सारे भाई लिखे, कि जिसकी पॉपुलेशन के हर यूनिट की, हर एलिमेंट की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती हो, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, इतनी बात याद रखनी है, इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, के हर जना इक्वली उसके चांस है कि वो चूज हो सके। उसकी सबसे सिंपल एग्जांपल है कि आपने 100,000 जनों की लॉटरी, ये पॉसिबल नहीं है 100,000 जन की आप बैग में एक बॉक्स में लॉटरी या नंबर, लेकिन इसके और मेथड हैं वो यहां नहीं डिस्कस करेंगे, अलग वीडियो में होंगे। टेबल है, कंप्यूटर जनरेटेड नंबर है, आपने नंबर दिए हुए हैं, जैसे पॉपुलेशन का नंबर है 1 से 100,000 तक, तो कौन सा नंबर सेलेक्ट हो जाता है वो आपके सैंपल में आ गया। तो ऐसे एग्जांपल है कि आपने एक बॉक्स में जो सभी की स्लिप्स डाल ली हैं और एक स्लिप निकालते हो और देखते हो कौन सा है वो सैंपल में सिलेक्ट हो गया। तो ये भी डिफरेंट टाइप की सैंपलिंग टेक्निक है, ये रैंडम की एक एग्जांपल है। तो यहां पर क्या हुआ कि रैंडम सैंपलिंग में रिसर्चर की बायसनेस जो है खत्म हो गई। वो अगर ये चाहे कि यार मैं इसको सिलेक्ट करूं या इसको सिलेक्ट करूं, इसको सिलेक्ट करूं, ये नहीं है। इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी में है बायसनेस हो सकती है, इंटेंशन पर्पस हो सकता है, वो अपनी पर्पस के मुताबिक, डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, अपने एक्सपर्टनेस के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक स्पेसिफिक केस को, नॉर्मली ये केस स्टडी में ही यूज होती है, तो वो केस को, पर्टिकुलर को चूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक जो है टीचर रिसर्चर है, सिर्फ लर्निंग डिसेबल्ड लर्नर में इंटरेस्टेड है, नेचुरली है कि उसने उस पॉपुलेशन को जानना है, वो इंटेंशनली 5 जने लर्निंग डिसेबल्ड को स्टडी कर रहा है, पायलट स्टडी कर रहा है, तो वो परपसिव सैंपलिंग मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी में आ जाएगी। बहुत डिटेल है, यहाँ पर डिस्कस नहीं हो सकती। ये देख लीजिए कि जो पॉपुलेशन की वैल्यूज है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है, फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन का मीन एक एग्जाम्पल ली है, तो उसको बोलते हैं पैरामीटर। जो हमने
पॉपुलेशन में से एक रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन निकाला था जिसको हम बोलते हैं सैंपल, है ना। जब उसका मीन स्कोर निकालते हैं, जब उसकी कैलकुलेशन जो करते हैं उसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक। इट मीन जब भी स्टैटिस्टिक शब्द आता है तो वो सैंपल की स्टडी कर रहा है, ये बात याद रखना। तो जब भी पैरामीटर शब्द आता है तो वो पॉपुलेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं। तो मीन स्कोर या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन हमेशा ही फिक्स रहता है और अननोन, मोस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ केसेस में अननोन होता है, किसी किसी केस में नोन हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप वैसे तो 100% नोन नहीं होता, रैट्स का वेट कितना होता है नॉर्मल, है ना, पिजन का वेट कितना होता है, न्यू बॉर्न बेबी का वेट, एवरेज वेट इन इंडिया क्या है, तो ये पता चल जाएगा, आपके पास डाटा होगा। तो ये नोन हो गया, लगभग नोन हो गया। तो नॉर्मली अब हमें वर्क वैल्यू का, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस का, है ना, इमोशनल इंटेलिजेंस का, टीचर इफेक्टिवनेस का, वोटिंग बिहेवियर का, जो वेरिएबल लेके हम चले हैं एग्जांपल, उनका मीन स्कोर नहीं पता, लेकिन वो फिक्स है, अननोन है। तो लेकिन सैंपल का मीन स्कोर आप निकाल सकते हो, सैंपल का। फॉर एग्जांपल आप, हम स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, स्पिरिचुअल क्वोशेंट की एग्जांपल लेके चल रहे हैं, स्पिरिचुअल क्वोशेंट का मीन स्कोर, चलो आईक्यू की एग्जांपल ले लेते हैं। आईक्यू का मीन स्कोर 100 है इस पॉपुलेशन का, लेकिन जब ही आप उनमें से सैंपल निकाला, तो सैंपल कैलकुलेट किया, तो उसका मीन स्कोर क्या आ गया, 99, है ना। ये डेविएट कर गया, ये मैं बताने लगा हूं कि कैसे आपने अननोन मीन ऑफ पॉपुलेशन तक को नोन तक पहुंचना है। मान लीजिए दूसरा सैंपल आपने निकाला, उसका 98 आ गया, तीसरा सैंपल निकाला उसका 101 आ गया, चौथा सैंपल निकाला आपने उसका 102 आ गया। तो आप जितने सैंपल निकाल रहे हो वो पॉपुलेशन मीन से वेरी कर रहे हैं। ये वेरिएशन पॉपुलेशन मीन से सैंपल मीन की जो वेरिएशन है, ये वाली एक की वेरिएशन है ना, इसे बोलते हैं, पहले समझ लीजिए, सैंपलिंग एरर। बाय चांस डिफरेंस एस्टिमेटेड पॉपुलेशन का मीन जो था और रियल जो सैंपल का मीन है उसमें जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं सैंपलिंग एरर। तो जब स्टैटिस्टिक होता है तो सैंपलिंग एरर के बिना ये कैलकुलेशन होगी नहीं, क्योंकि जब आप टी टेस्ट कोरिलेशन, वो नीचे फ्रैक्शन डिनोमिनेटर जो होता है वो नीचे एरर ही होती है। आगे चल के देखते हैं। तो जब अगर आप पहले मीन, दूसरे मीन, तीसरे, चौथे, ये मान लीजिए 20 मीन आपने ऐसे निकाले और उन मीन स्कोर का मीन स्कोर अगर आप निकालो तो वो आप पॉपुलेशन मीन मान सकते हो। ऐसे भी है, अननोन से नोन की तरफ जा सकते हो। तो ये होगी सैंपलिंग एरर। सैंपलिंग एरर के बिना नॉन सैंपलिंग एरर भी होती है, जो अब जब आप डाटा कलेक्ट करते हो, जब आप टूल को अप्लाई करते हो, तो सैंपलिंग के ये इससे इस पोर्शन को निकालने के अलावा जितनी भी और एरर हो सकती है उसको नॉन सैंपलिंग एरर कहते हैं। सैंपलिंग की कोई चार दो टेक्निक बताइए, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की टेक्निक बताइए, ये क्या होती है, ये पीछे डिस्कस करके आए हैं। तो उनके नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जहां रैंडम सैंपलिंग में आते हैं, जिसमें हमें फ्रेम चाहिए, ये बात हम कर चुके हैं। ओके, फर्स्ट है सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। आप एक लॉटरी मेथड, आपको अगर पता है, कुछ एक बॉक्स में सभी पॉपुलेशन की लिस्ट डाल लेते हैं, 1,00,000 तो डाली पॉसिबल नहीं है, उसके लिए और मेथड है। ये सिर्फ समझाने के लिए बॉक्स की एग्जांपल दे रहा हूं कि टेबल नंबर जनरेट हो जाते हैं, ये कंप्यूटर जनरेटेड रैंडम सैंपलिंग हो जाती है। तो जो 1 से 1,00,000 तक नंबर है उनमें से कंप्यूटर जनरेट कर देता है, ऐसे ही स्लिप से जनरेट हो जाती है। तो लेकिन ये डिफरेंट रैंडम सैंपलिंग है, यहां उनकी डिटेल नहीं बताई जा सकती। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग, आपने फिफ्थ पर्सन को, ईच फिफ्थ पर्सन को, सेवंथ पर्सन को, 18th पर्सन को, जो भी रैंडमली पहला शब्द नंबर निकला है उसके हिसाब से चूज करना है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग ठीक, हाँ ये इसकी एग्जांपल जरूर दूंगा क्योंकि जेंडर की एग्जांपल लेके हम चले थे, वर्क वैल्यू एंड जेंडर, जहां स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड जेंडर, जहां वोटिंग बिहेवियर एंड जेंडर। जेंडर में क्या है, दो ग्रुप है, दो स्ट्रेटाज हैं, स्ट्रेटा मीन डिवीजन। तो मेल के अलग आप चुनते हो, मान लीजिए आपने 50% मेल चुनने हैं, 50% ये चुनने हैं,
ओके या जितने प्रपोर्शन है उसके हिसाब से आपने मेल या फीमेल चुनने हैं। आपने अलग से उनकी लॉटरी मेथड से निकाला उनको या कंप्यूटर मेथड से और फीमेल को अलग से, तो ये आपने स्टाटा बना लिए। ऐसे लोकेशन ऑफ रेजिडेंस रूरल के अलग अर्बन के अलग, तो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में वो स्ट्रेटिफिकेशन बनती है। स्ट्रेटिफाइज प्रोपोर्शनेट रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, क्लस्टर सैंपलिंग। एक बात याद रखना, बाय द वे पूछा जाएगा क्या आपने रैंडम या स्ट्रेटिफाइड रैंडम रियल में अप्लाई की। एक्चुअली क्या होता है जब आपने नेचुरली है, 8-10 एमएड वालों की बात कर रहा हूँ, साइकोलॉजी वालों की बात कर रहा हूँ, मास्टर लेवल वालों की बात कर रहा हूँ, वो मान लीजिए 8-10 कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट में गए हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, वो वहां पर इंटरेक्ट क्लास जो पहले से बनी हुई है, ग्रुप बना हुआ, सभी को उठा लेते हैं, सभी को क्वेश्चनर स्केल टेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनसे रिस्पांस ले लेते हैं। तो वो इंटरेक्ट ग्रुप वो क्लस्टर के नजदीक बन जाता है। तो आपको जवाब देना चाहिए मैंने क्लस्टर सैंपलिंग है। तो नेक्स्ट है मल्टी स्टेज, ये थी रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी या नॉन रैंडम सैंपलिंग में परपजिव सैंपलिंग है ना, पायलट स्टडी में भी यूज होती है, जजमेंट सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग, इसमें एरर की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कोटा सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग क्वालिटेटिव रिसर्च में ज्यादा यूज होती है। तो ये नाम आप बता सकते हैं। ये हो गया प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी। हाउ डू यू सिलेक्ट योर सैंपल और सैंपलिंग टेक्निक, आप ये ही बताओगे कि आपने कॉलेज सिलेक्ट कैसे किए, स्कूल कैसे सिलेक्ट किए, या जो इस इंस्टीट्यूट में जाना था उसको कैसे सिलेक्ट किया। तो वो आप स्टेटा के हिसाब से भी हो सकता है कि आपने 4 प्राइवेट और 5 गवर्नमेंट ऐसे सिलेक्ट किए, तो उनकी लिस्ट थी वो रेंडमली निकाली कि कौन से स्कूल या कॉलेज आते हैं, है ना। तो वो डिस्ट्रिक्ट में कम होते हैं, उसकी लिस्ट निकाली जा सकती है। पर एक्चुअल में आप क्या उसमें आगे जाके क्या आपने इंडिविजुअल कैसे उठाए, रैंडमली उठाए फिर स्लिप्स डाली, इतना तो कोई करता नहीं मास्टर लेवल पर, इवन पीएचडी लेवल भी नहीं करते, वो क्लस्टर को उठा लेते हैं। तो आप क्लस्टर सैंपलिंग ही उसका आंसर दीजिए कि मैंने फर्स्ट स्टेज पर ऐसे कॉलेज या स्कूल सेलेक्ट किए, सेकेंड स्टेज पर परमिशन लेके क्लास में गई, क्लास में जिन्होंने मेरे जो मुझे कोऑपरेट कर रहे थे नेचुरली मैंने उनको उठाया, जहां आपने उस क्लास में से रैंडमली नंबर बोले, रोल नंबर 5, नंबर 11, नंबर 15, 18 ऐसे बोले, 10 बच्चे चाहिए थे आपको, कोई नंबर बोले वो बाहर आ गए, तो ये रैंडम सैंपलिंग टेक्निक हुई। तो आप ऐसे उत्तर दे सकते हो कि अगर आप सच बोलना चाहते हो तो ऐसे किया नहीं है। आगे पूछा जा सकता है सैंपलिंग एरिया कौन सा है, व्हाट इज द फ्रेम और सैंपलिंग फ्रेम, ये बात हो चुकी है क्या होती है, क्या आपके पास सैंपलिंग फ्रेम था, आप सच बोलो कि लिस्ट आपके पास थी पॉपुलेशन की, नहीं तो नहीं बोलो, यस तो यस बोलो। योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन विच स्केल, अच्छा ये बात की बात है, ये पहले कर रहे हैं सैंपलिंग एरिया, ये हम ओरिजिनल डिसर्टेशन पे चल रहे हैं। तो क्वेश्चन और भी साथ में पूछे जा सकते हैं, बात साथ में बता रहा हूँ, आपके पूछा जा सकता है आपकी कि कौन सा मेथड यूज किया है इस रिसर्च में, है ना, डिस्क्रिप्टिव मेथड, अगर कोरिलेशन है तो कोरिलेशन यूज कीजिए। सैंपल में 3 चीजें हैं, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सैंपल में हमेशा ही, एक तो सैंपल साइज, साइज आपसे पूछा जाएगा सैंपल साइज क्या है, नेचुरली आप बताओगे ये टेबल ऑफ स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, इस टेबल से अगर बनाया है आपने जहां लिखा हुआ है बीच में, आप कहोगे टोटल मेरे 200 एलिमेंट्री या सेकेंडरी स्कूल टीचर थे, एलिमेंट्री है यहाँ स्कूल टीचर्स हैं, फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट, ये एरिया हो गया आपका कि पठानकोट डिस्ट्रिक्ट से मैंने लिए हैं, तो उनमें से 61 मेल है, 139 फीमेल है, ये आपका उत्तर होगा, ये आपने अपने डिसर्टेशन में देख लेना है। ये हो गया सैंपल साइज। और सैंपलिंग टेक्निक आपसे पूछी जा चुकी है कि क्लस्टर है जहां स्ट्रेटिफाइड रैंडम है, ये मोस्टली यही दो होती हैं, कई बार कन्वीनियंट सैंपलिंग भी आप यूज कर लेते हैं। योर डिपेंडेंट वेरिएबल इज मेजर्ड ऑन विच टूल, अब डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, ये वाला वर्क वैल्यू इसमें, है ना, आपके में हो सकता है वोटिंग बिहेवियर हो, आपके दूसरे में स्पिरिचुअल क्वेश्चन भी हो सकता है, है ना, कोई भी है, तो नेचुरली है इसका भी स्केल है जिसको आप नॉर्मली क्वेश्चनर बोल देते हैं, क्वेश्चन डिफरेंट है, टेस्ट डिफरेंट है, स्केल डिफरेंट है, इसके लिए डिफरेंट वीडियो देखना पड़ेगा। वोटिंग बिहेवियर के लिए आपका स्केल हो सकता है, है ना, कि आप कितने फेवर है अगेंस्ट है। वर्क वैल्यू का भी स्केल होता है, ये लिखा ही है वर्क वैल्यू, क्वेश्चनर लिखा है इन्होंने, वैसे ये देखा जाए तो जब देखेंगे फॉर्मेट में ये स्केल है, तो ये क्वेश्चनर हो गया। तो ये जब न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे देता है, मान लीजिए एसक्यू है, एसक्यू का आ रहा है 210, 201, 210, 217 ऐसी वैल्यू आ रही है, तो जब ऐसी वैल्यू आ रही है तो ये इंटरवल स्केल है, मैं ये
क्वेश्चन क्यों डाला? कुछ चार स्केल हैं, नॉमिनल जेंडर नॉमिनल स्केल पर है, और एजुकेशन और साइकोलॉजी के जितने भी आप वेरिएबल को स्केल या क्वेश्चनर लगाकर मेजर करते हो वो सारे ही इंटरवल स्केल पर है। आपके मैथ्स में टेंथ में कितने मार्क्स थे, इंटरवल स्केल पर है, तो स्केल पर डिफरेंट वो होगा। यहाँ पर आंसर आपका है इंटरवल। ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल बता के जेंडर किस स्केल पर मेजर है, जेंडर मेल और फीमेल दो है ना, कैटेगरिकल वेरिएबल नॉमिनल स्केल, जितने की भी कैटेगरी बनती है नॉमिनल स्केल, जो वहां डिस्क्रीट वेरिएबल डिस्कंटिन्यूअस वेरिएबल था ना मोस्टली, उसकी एक एग्जांपल ये है, पर उसमें कंफ्यूज मत कीजिए। लोकेशन ऑफ रेजिडेंस रूरल अर्बन दो है कैटेगरी बन रही, ये भी है नॉमिनल स्केल, ये अभी मैं एग्जांपल भी देख आया हूं, तो ये आंसर आपके बनेंगे। क्लासिफाइंग वेरिएबल है ऑन डाटा कलेक्शन, इंपॉर्टेंट पार्ट है ना डाटा कलेक्शन है, तो डाटा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड यू कलेक्ट योर डाटा, इसको प्रोसीजर भी बोलते हैं, प्रोसीजर ऑफ योर रिसर्च। तो आप ये कहोगे कि आपने सैंपल सेलेक्ट कर लिया था, कि आपने 200 एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स या 200 स्टूडेंट्स जो भी आपकी सैंपल पॉपुलेशन थी, सॉरी सैंपल था, उनके लिए आपने मान लीजिए 200 है, तो 200 से ज्यादा आपने मान लीजिए 200 आपने सोचे थे कि 200 सैंपल साइज था अपना, आपने उनसे 30-40 ज्यादा आपके जो क्वेश्चनर हैं उसकी फोटो स्टेट करवा ली। फोटो स्टेट करवाने के बाद आप जब एक कॉलेज या इंस्टीट्यूट स्कूल में जाते हो वहां से पहले उसके बाद परमिशन ली, परमिशन लेने के बाद जिस दिन आपको अपॉइंटमेंट मिली आप उन क्लास से या टीचर से ग्रुप से मिले, ग्रुप से मिलने के बाद आपने अपना ऑब्जेक्टिव्स बताया कि आप एक रिसर्च स्कॉलर हो, आपका पर्पज डाटा कलेक्ट करना है, आपकी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे जाना है, तो आपने जैसे सैंपल सेलेक्ट कर लिया है, अगर डिवीजन करनी है स्टेटा बनाने हैं पहले बना लिए हैं, तो उसको उनको एड्रेस कर रहे हो। अगर आपको लगता है कि कुछ मेंबर कोऑपरेट करने वाले नहीं हैं तो आप उनमें से निकाल भी देते हो, लेकिन ये सैंपलिंग प्रोसेस आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, तो आप उनको समझाते हो, फिर आप ये बताते हो क्वेश्चनर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिए आपने सभी में, क्वेश्चनर उन्होंने देख लिए, क्वेश्चनर देखने के बाद उनको आपने बताया कि आंसर कैसे देना है। फॉर एग्जांपल आपने दिखाया बताया कि एक नंबर ऑफ इसमें आइटम्स है स्टेटमेंट के फॉर्म में, ये क्वेश्चन नहीं है स्टेटमेंट है, आपने उस स्टेटमेंट को रीड करना है, उस स्टेटमेंट के आगे रिस्पॉन्स कैटेगरीज, ये आंसर क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, रिस्पॉन्स कैटेगरी कितनी है कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर ऑलवेज समटाइम ऑलवेज समटाइम्स ऑलवेज मोस्टली समटाइम रेयरली नेवर ऐसे भी हो सकता है, स्ट्रांगली एग्री एग्री न्यूट्रल या अनडिसाइडेड डिसएग्री स्ट्रांगली डिसएग्री ऐसे भी हो सकता है, तो आपकी जो भी रिस्पॉन्स कैटेगरी है यस नो भी हो सकता है, यस न्यूट्रल नो भी हो सकता है, तो आप उनको दिखा के आप बोलोगे कि आपको जो लगता है कि आप अगर ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसका मतलब दिया गया है छोटा करके नॉट ट्रू सेल्डम ट्रू समटाइम ट्रू ऑफन ट्रू नॉट ट्रू है ना, फुल फॉर्म भी यहां दी जा सकती है, तो उनको कहोगे कि स्टेटमेंट रीड करने के बाद आप उसको सर्कल कर रहे हो या टिक लगा रहे हो, सर्कल करना बेटर होता है, ये स्टेटमेंट रीड की उसके बाद टिक लगाया, ये स्टेटमेंट रीड की ये टिक लगाया, तो जब उनको समझ आ गया उनके डाउट्स क्लियर हो गए तो उनको कहा गया कि आप रिस्पांस देने स्टार्ट कर दीजिए, तो वो रिस्पांस उन्होंने देने स्टार्ट कर दिए और ये आपने कह दिया कि आपस में कोई बात नहीं करेगा, कोई बात मीनिंग जब कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे से बात, वैसे तो अगर कोई मीनिंग किसी क्वेश्चनर में स्केल में पूछते हैं तो उसके स्टैंडर्ड मीनिंग आप पहले लिख के रखते हो, जहां उसकी आप मोस्टली ट्रांसलेशन कर देते हो, ये बेस्ट मेथड है कि उसकी उनकी मदर टंग में ट्रांसलेशन कर दी जाए, ऐसा किया है तो बहुत ही अच्छा है, फिर एंश्योर करते हो आप सुपरवाइज करते हो। मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसे आपने डिस्टेंस पर बिठाए थे और ये कैसे वो रिस्पांस दे रहे हैं आप इनविजिलेट कर सकते हो। दूसरा आपने इंश्योर किया कि वो सभी आइटम्स मीन ये स्टेटमेंट्स जहां क्वेश्चन भी हो सकती हैं क्या उन्होंने सभी का रिस्पांस दे दिया है, ये श्योर करना हर हालत में जरूरी है। जब ये इंश्योर हो जाता है कि सभी जो पार्टिसिपेंट्स हैं
उन्होंने सभी के रिस्पांस दे दिए हैं और बेसिक इन्फॉर्मेशन आपका नेम, जेंडर, क्लास, नॉर्मली नेम वगैरह नहीं पूछते, को ब्लाइंड रहता है, आपकी इन्फॉर्मेशन वो फ्री देते हैं, अगर उनको आपकी आइडेंटिटी वो अपनी नहीं देते तो छुपा लेते हैं, ऐसा ही करना चाहिए। उसके बाद आप सभी से शीट्स जो है कलेक्ट कर लेते हैं, अपनी बुकलेट कलेक्ट कर लेते हैं। नेचुरली आपने ज्यादा, जितना सैंपल था उससे थोड़ा ज्यादा मान लीजिए कलेक्ट किया, तो आप एनालाइज करने से पहले क्या करोगे, यहां जैसे बड़ा अच्छा लिखा हुआ है ये जवाब दोगे आपने कि इनिशियली 226 टीचर्स को अप्रोच किया गया, उनसे डाटा कलेक्ट किया गया, एंड इट वॉज फाउंड दैट द डाटा ऑफ 26 टीचर वॉज नॉट कंप्लीटेड, वो इनकम्प्लीट था। तो ये 26 को एक्चुअल एनालिसिस में शामिल नहीं किया गया, तो बाकी इनमें से 26 निकाल दिए, कितने बचे 200 एलिमेंट्री टीचर। तो आपका रियल सैंपल जो था, अप्रोचेबल सैंपल, टारगेट सैंपल जो आपका रहा वो 200 एलिमेंट्री स्कूल टीचर रहे। व्हाइल कलेक्टिंग डाटा, व्हाट प्रॉब्लम यू फेस व्हाइल कलेक्टिंग डाटा, क्या थिंग्स आप, यही कि कोई भी एरर जो नॉन सैंपलिंग एरर है डाटा कलेक्शन के समय नहीं रहनी चाहिए। दूसरा, आपकी जो आइटम्स है सभी का रिस्पांस दिया गया हो। तीसरा, कि आपने ये देखा हो कि कोई झूठ झूठ तो नहीं लगा रहा, बिना पढ़े ही टिक तो नहीं लगा रहा, वो बहुत बड़ी एरर है, उसको डिलीट करना है, मार्क कर देना है। तीसरा, आपने एक साइकोलॉजिकल रैपो एस्टेब्लिश करनी है डाटा लेने से पहले, तो वो कॉन्फिडेंशियल हो जाते हैं, जो कॉन्फिडेंस उनका जो वो इंफॉर्मेशन, ट्रू इंफॉर्मेशन रिवील कर देते हैं, वो रिलेशनशिप बनाना है। आपने इनविजिलेशन करनी है, आपने इंश्योर करना है कि बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी, जेंडर, क्लास वगैरह, वो सारी फिल कर दी गई है। तो ये थिंग आपने डाटा कलेक्ट करते समय रखी, ये जवाब दे सकते हो। व्हाट प्रॉब्लम यू फेस, ये कह सकते हो कि कोऑपरेट नहीं किया, किसी प्रिंसिपल ने अलाउ नहीं किया, वेटिंग बहुत करनी पड़ी, कई बच्चे जो थे बिना पढ़े टिक लगा रहे थे, वो आइडेंटिफाई करने पड़े, अच्छा एक दूसरे से डिस्कशन करते थे वो रोकना पड़ रहा था, कुछ ऐसी प्रॉब्लम वट एवर जो फेस वो रियल में फेस किया वो आपने बता देनी है। विच टूल यू यूज टू कलेक्ट डाटा, आपने टूल का नाम बताना है, ऑथर बताना है, जैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के डेवलपर है डॉक्टर तीरथ सिंह 2008, तीनों क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। अच्छा, ईयर ऑफ पब्लिकेशन 2008, ये आपके लिखा है, आप बता दोगे। वेदर इट इज अ टेस्ट, इन्वेंट्री, स्केल और क्वेश्चनेयर, ये आपको पता होना चाहिए, टूल में ही लिखा है। जैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस स्केल है ना, तो वो आप पढ़ के जाना है कि स्केल है मेरा, और पीछे आइटम आपने हर हालत में देख लेनी है कि स्केल है कि क्या है। नंबर ऑफ आइटम्स इन योर टूल, यूट्यूब नहीं है, टूल है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ये लाइफ स्किल स्केल है, तो इसकी 123 आइटम्स है। अच्छा, ये पूछा जा सकता है इसकी कितनी डायमेंशंस है, इसकी 9 डायमेंशंस है। नेक्स्ट पूछा जा सकता है, उन डायमेंशन में से किसी का मीनिंग पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिटिकल थिंकिंग का क्या मतलब है, क्रिएटिव थिंकिंग का क्या मतलब है, वोटिंग बिहेवियर की कोई डायमेंशन है उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। वो अपने जो रिसर्च थीसिस डिसर्टेशन है उसमें दिया गया है, वो मीनिंग आपने एक बार लर्न करके ही जाने हैं। हाउ मेनी डायमेंशंस कितनी है टूल में, है ना, 9 है, ये बात हो चुकी है। डिफाइन डायमेंशन पर्टिकुलर उसका पूछ सकते हैं। हाउ मेनी आइटम्स आर नेगेटिव इन योर टूल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेगेटिव पॉजिटिव आइटम क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझ ले। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने रेड है वो आपको पढ़ के पता चल जाए, आई लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, देखिए ये नेगेटिव की तरफ या पॉजिटिव की तरफ जा रही है। आई एम फेयरली चीयरफुल पर्सन, ओके पॉजिटिव है, जो रेड वाली है नेगेटिव है, दूसरी पॉजिटिव है। आपने काउंट करके जानी है कि कितनी नेगेटिव आइटम है मेरे स्केल में, कितनी पॉजिटिव है। नॉर्मली हम नेगेटिव आइटम पर स्टार या कोई आर लिख देते हैं, रिवर्स आइटम, स्टार आइटम, रिवर्स आइटम, एन लिख देते हैं नेगेटिव आइटम, है ना, कलर भी कर सकते हैं, तो उनको नहीं पता चलना चाहिए, रिस्पॉन्डेंट को, पार्टिसिपेंट को, तो टोटल नंबर ऑफ ये पूछा जा सकता है। तो अगली बात आगे चल के आएगी, नेगेटिव आइटम अगर इनकी जो स्कोरिंग है, पॉजिटिव की स्कोरिंग 5, 4, 3, 2, 1 है, मान लीजिए पॉजिटिव स्कोरिंग है 1, 2, 3, 4, 5, तो रिवर्स की स्कोरिंग होगी 5, 4, 3, 2, 1, उल्टी होगी। ये बात केयरफुली आपने बतानी है, पता होनी चाहिए। बाय विच मेथड रिलायबिलिटी वाज कैलकुलेट ऑफ योर टूल, चैप्टर में नॉर्मली मेथड एंड प्रोसीजर में जहां स्केल की डिस्क्रिप्शन लिखी है उसमें लिखा हुआ है कि रिलायबिलिटी आपने किस मेथड से कैलकुलेट की है, यहां पर अल्फा कॉफिशेंट लिखा हुआ है।
नॉर्मली ये क्रॉनबैक अल्फा मोस्टली यूज होता है मेथड, और एबिलिटी टेस्ट हो, अचीवमेंट टेस्ट हो, जिसमें उसमें कुड्डर रिचर्डसन फार्मूला यूज होता है, के आर फार्मूला। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से मेथड्स हैं रिलायबिलिटी के, है ना, इंटररेटर रिलायबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। मोस्टली जो साइकोलॉजी एजुकेशन जो क्रिटिकल के जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं, वर्क वैल्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, है ना, इनके टूल की, तो उनमें इंटरनल कंसिस्टेंसी को मेजर किया जाता है, एस्टीमेट किया जाता है। उनमें जो एग्जांपल अभी देखे आया हूँ, क्रॉनबैक अल्फा है वो भी इंटरनल कंसिस्टेंसी का है, और के आर फार्मूला है वो भी इंटरनल कंसिस्टेंसी। सेम व्हाई विच मेथड वैलिडिटी ऑफ टूल इज कैलकुलेटेड, तो वैलिडिटी भी नॉर्मली जो है हम लिखा होता है हमने वो कंटेंट वैलिडिटी लिख देते हैं, लेकिन आपने अपना टूल जो डिस्क्रिप्शन है वो जरूर देखनी है। ये देखिए लिखा हुआ है इस टूल में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ऑफ लाइफ स्केल निकाली हुई है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, तो आप कहोगे कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी है। साथ में ही आपको न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वैलिडिटी भी पूछा जा सकता है, वो आपकी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उनमें से निकाल के कि कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी ये है। मान लीजिए आपकी डायमेंशन वाइज निकाली गई है, फिर आप टेबल में से देख के या याद करके भी बता सकते हो कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की इतनी है, इस डायमेंशन की इतनी है, इस डायमेंशन की इतनी है, वो आपने थीसिस अपना देखना है। तो अगर ये पूछते हैं कि कितने टाइप की वैलिडिटी होती है, कैलकुलेट करते हैं, वो ब्रीफ में आपको दिखा देता हूं, ये रहे। हाँ, फेस वैलिडिटी, जिसको कई बार तो फेस वैलिडिटी में मानते नहीं है, इट मींस ये बहुत पुअर वैलिडिटी होती है। जो नॉर्मली वैलिडिटी, अच्छी वैलिडिटी, जो एक्सेप्टेबल वैलिडिटी है, वो शुरू होती है कंटेंट वैलिडिटी से। इस पर दो तीन वीडियो डिफरेंट निकाले हुए हैं कि कैसे करनी है, वो मास्टर लेवल के लिए नहीं है, वो पीएचडी लेवल के लिए, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, यूजीसी नेट वालों के लिए है कि कौन से डिफरेंट मेथड है। अच्छा, अगर आपको ये पूछा जाए, ये पूछेंगे नहीं, पीएचडी में पूछ सकते हैं, क्या कंटेंट वैलिडिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। देखना, ये क्वालिटेटिव वैलिडिटी है। इसमें क्या होता है कि एक्सपर्ट्स को आपने टूल दिया था, उन्होंने बताया कि ये आइटम जो आपकी अच्छी है, एक्सेप्टेबल है, ये आइटम मॉडिफाई करनी चाहिए, ये रिजेक्ट कर दीजिए, है ना। तो उस जजेस से ये इंफॉर्मेशन लेके उस डाटे को एनालाइज करते हैं, वो कैसे किया जा सकता है उन वीडियो में बताया गया है। तो जो जजेस ने एक्सेप्ट की थी आइटम्स, अगर उनको शामिल आप करते हो तो वो कंटेंट वैलिडिटी को इंश्योर होगी। क्राइटेरियन वैलिडिटी नाम ही बताऊंगा, आप डिस्क्रिप्शन यहां से देख लीजिए, कंकरेंट या कन्वर्जेंट वैलिडिटी, डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी, ये टाइप्स ऑफ वैलिडिटी हैं, ये आपको नाम याद करने ही होंगे। गुड टूल, गुड इंस्ट्रूमेंट, तो आपने फाइव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, वो कौन से हैं। फर्स्ट जो दो हो चुके हैं, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। अगर हाँ, रिलायबिलिटी वैलिडिटी पर ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इन पर क्वेश्चन नहीं, बहुत कम जब पीएचडी में पूछे जाते हैं। मास्टर लेवल वाले इनके जो डेफिनेशन जरूर देख लें। जो रिलायबिलिटी है, जिसको हम विश्वास योग्यता कहते हो, एक फ्रेंड है जिसको आपने 5 दिन बुलाया, वो एक दिन तो 5 बजे मतलब बुलाया, वो 5 बजे की बजाय 4 बजे आया, यहां लिख देता हूं, एक दिन वो 4 बजे आया, दूसरे दिन वो 5 बजे आया, तीसरे दिन वो 6 बजे आया, सातवें दिन वो 3 बजे आ गया, है ना, कितना देरी कर रहा है। दूसरा फ्रेंड 5 बजे बुलाया था, 5:01 पर आया, फिर 4:50 पर, 59 मिनट पर आया, फिर 5 बजे आया, फिर वो 5:02 पर आया। तो इनमें से स्टेबल कौन है ज्यादा, ये कितना, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ऐसे ही टूल पर विश्वास किया जा सकता है अगर उसका स्कोर वही आता है जब रिपीट किया जाता है उसी सैंपल पर, क्या स्कोर उतना ही दे रहा है। अगर वो स्कोर वेरी करके दे रहा है, इट मींस वो लेस स्टेबल है, जहां लेस कंसिस्टेंट है, जहां लेस रिलायबल है। ये पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। दूसरा है वैलिडिटी। वैलिडिटी है कि जो पर्पस है, जहां आपका टूल जो मेजर करना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को मेजर करना चाहता है, क्या उसकी हर आइटम एसक्यू को ही मेजर कर रही है, कहीं कोई आइटम आईक्यू की तो नहीं आ गई, कहीं कोई आइटम ईक्यू की तो नहीं आ गई, कहीं कोई आइटम एक्सट्रोवर्जन की तो नहीं आ गई पर्सनैलिटी की, कहीं कोई आइटम स्ट्रेस की तो नहीं आ गई। मतलब हर हालत में जो कंस्ट्रक्ट की डेफिनेशन है, इस पर डिफरेंट वीडियो है, उससे रिलेटेड हर आइटम टूल में शामिल हुई होनी चाहिए। जो टूल
क्लेम करता है, इरादा करता है, पर्पज रखता है, इंटेंड टू मैयर, कि मैं इस चीज को मैयर कर रहा हूँ, उसकी सभी आइटम उसी को मैयर कर रही हूँ, किसी और कंस्ट्रक्ट को मैयर ना कर रही हूँ, इसको कहते हैं वैलिडिटी। अच्छा, सेंसिटिविटी, जो टूल लिटल चेंज भी होता है तो वो बता दे, है ना, जैसे आप वेट है, एक जो सुनियारे के पास वो होता है, गोल्ड स्मिथ के पास, तो वो माइनर सा इतना भी चेंज होता है वो बता देता है, उसकी तुला जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसके पास होता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। दूसरी तरफ आप देखिए, जहां पर ये कंडा जिसको बोलते हैं, ट्रक वाले वीट वगैरह है, उसको इतना तोलते हैं, वो सेंसिटिविटी उसकी मेरे ख्याल में कम होगी। तो ऐसे लिटिल चेंज जो बता देता है। ऑब्जेक्टिविटी क्या है कि अनबायस्ड टूल होना चाहिए, रिसर्चर की अपनी फीलिंग्स जो है बीच में नहीं आनी चाहिए, स्कोर में नहीं आनी चाहिए। यूजेबिलिटी है कि मैक्सिमम रिसर्चर उनको यूज रियल रिसर्च पर्पस के लिए कर रहे हो। तो ये थी, ये क्वेश्चन थे जिनके आंसर आप दे सकते हो। हाउ डू यू क्लासीफाई स्कोर ऑन हाई एवरेज लो। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक वेरिएबल लिया था जिसमें आपने ये समझिए कि आपने, मान लीजिए वर्क वैल्यूज हैं और आप लाइफ स्किल, कौन सी, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, क्रिटिकल थिंकिंग जिसको आपने डिवाइड किया है हाई, एवरेज और लो में। तो क्वेश्चन ये है, इसको आपने कैसे डिवाइड किया है? आपका आंसर होगा स्टैंडर्ड डेविएशन पर के हिसाब से, जहां क्वार्टाइल डेविएशन पे आपके रिसर्च डिसर्टेशन में लिखा होगा। अगर ऐसे कंटिन्यूअस वेरिएबल को आपने डिसकंटिन्यूअस बनाया है, मतलब डिवाइड किया है, तो ये कैसे होता है? ये देखिए, आपका मान लीजिए स्कोर है, ये स्कोर आपका पता होगा आपको कितना है, रेंज की क्या है इसकी। मान लीजिए ये मिनिमम स्कोर जो है 30 है यहाँ पर, और मैक्सिमम जो है 200 है। तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मिडिल पॉइंट आ गया, ये मान लीजिए आया 140, ठीक है, तो ये कट पॉइंट यहां लगा एक, ये लगा 100 का, ठीक है, और ये लगा 170 का। इट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और ये स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस या क्वार्टर डेविएशन, मान लीजिए इतना आया, ये जब स्कोर निकल आया, कैलकुलेट हो गया, तो 100 से कम वाले जितने स्कोर वाले बच्चे हैं वो आ गए लो ग्रुप में, लो क्रिटिकल थिंकिंग के ग्रुप में। जो 170 से अधिक के ग्रुप वाले हैं वो आ गए हाई क्रिटिकल थिंकिंग के ग्रुप में। जो 100 से 170 के बीच में ये आए, ये आ गए एवरेज क्रिटिकल थिंकिंग में। ऐसे आपने उसको डिवाइड किया। देखिए, अगर आपने कोई भी इंटरव्यू ऑब्जर्वेशन यूज की है अपने डाटा कलेक्शन में, तो इंटरव्यू का डाटा जो हमेशा ही होगा वो क्वालिटेटिव होगा। ऑब्जर्वेशन का डाटा क्वालिटेटिव होगा, वीडियोग्राफी की है क्वालिटेटिव होगा, कोई टेक्स्ट आपने एनालाइज किया है क्वालिटेटिव होगा। ये डाटा लैंग्वेज में होता है, सेंटेंसेस में होता है ना, क्वालिटेटिव। अगर उसको आपने कन्वर्ट कर लिया है, जहां जैसे स्केल में है, आपका स्कोर 140 आ रहा है, 150 आ रहा है ना, आप मीन्स को निकाल रहे हो, स्टैट्स सारा अप्लाई कर रहे हो, स्टैटिस्टिक, जो स्टैटिस्टिक है वो क्वालिटेटिव डाटे पर नहीं अप्लाई होता, स्टैटिस्टिक सिर्फ क्वांटिटेटिव पर होता है। अगर वो आप स्टैटिस्टिक अप्लाई कर रहे हो, नॉर्मली सर्वे में डिस्क्रिप्ट में वही हो रहा है, होता है, तो आपका डाटा क्वांटिटेटिव ही है। स्कोरिंग प्रोसीजर आपका क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो अभी आपने जैसे बताया कि 5-4-3-2-1, 1-2-3-4, जहां यस नो को 1-0, जहां अचीवमेंट टेस्ट है, जहां इंटेलिजेंस टेस्ट है, राइट आंसर को 1 मार्क और रॉन्ग आंसर को 0 मार्क्स, वो आपके स्कोरिंग प्रोसीजर में लिखा होगा, जैसे यहां पर है, वहां से आपने रीड कर लेना है।